बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स है मेरे पास 2, 3, 4, 5 इसके एलिमेंट्स हैं, तो इसके डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। ये दो वर्टिकल लाइन्स के दरमियान में लिखना है और इन नंबर्स को भी आपने दो वर्टिकल लाइंस के दरमियान में लिख देना है। यह डिटर्मिनेंट की निशानी है। अब इसको सिंपलीफाई कैसे करना है, आपने इन एलिमेंट्स को, डायगोनल वाले एलिमेंट्स को, मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है 2 × 5 और दरमियान में साइन माइनस का होगा और 4 × 3। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, 2 × 5 = 10 −4 × 3 = 12। तो इसका आंसर क्या आएगा, −2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू −2। इस तरह आप किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देख लें, बी इज इक्वल टू −2, −4, −6, −3। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमने इनको वर्टिकल लाइन में लिख देना है, जैसे हमने पहले पढ़ा −2, −4, −6, −3। अब क्या करना है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, −2 × −3 माइनस, दरमियान में डिटर्मिनेंट जब भी फाइंड करेंगे तो दरमियान में माइनस जो लिखना है, और 4 × 6। अब चूँकि ये दोनों नेगेटिव हैं तो −×−+ 3 × 2 = 6 −4, −6 = 24। और इससे आंसर बड़ा नंबर के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 6 − 24 = 18। ये हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।